बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। IMMMH और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ फ़ौरन। इस चैनल में हम आपको तमाम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आगाह करेंगे, जिसमें बिलखसूस सऊदी न्यूज़ शामिल होंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ में बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल कर दें, ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। रियाज पुलिस ने गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून को गिरफ़्तार किया है। दोनों के कब्ज़े से गैर कानूनी लिटरेचर भी जब्त कर लिया गया। सऊदी खबरसान अदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जमान कर्नल शाकिर अल-तवेजनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक फ़लस्तीनी शहरी और रूसी खातून मुबैना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों की दावत दिए हुए थे। ये सरगर्मियाँ मजहबी इकदार के मुनाफी थीं। पुलिस ने दोनों का पता लगाकर उनके ठिकाने पर छापा मारा। दोनों पैसे के बदले में गैर इखलाकी सरगर्मियों की सहूलत फराहम कर रहे थे। पुलिस तर्जमान अल-तवेजनी ने बताया कि फ़लस्तीनी शहरी और एक रूसी खातून जो उम्र के तीसरे और चौथे अशरे में है, इन सरगर्मियों में मुलव्वस थे। उनके कब्ज़े में गैर कानूनी लिटरेचर बरामद करके जब्त कर लिया गया। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया।